नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। जबलपुर में एक 9वीं की छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने फेसबुक पर पहले उससे दोस्ती की और फिर भला फुसलाकर एक कैफे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दो बार रेप किया। जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ युवक द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी छात्र ने फेसबुक के माध्यम से नाबालिग छात्रा से दोस्ती की और फिर विजयनगर की यू टर्न कैफे में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। इस कैफे में 2 माह के भीतर रेप की दूसरी घटना सामने आई है। इसके पहले एक भूमाफिया के बेटे द्वारा एक नाबालिग के रेप करने का मामला सामने आया था। विजयनगर पुलिस के मुताबिक 15 साल की नाबालिग छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। जनवरी 2020 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले समीर बाटे से हुई थी। कुछ दिन बातचीत करने के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद समीर अक्सर उसे विजयनगर में 0° रोड पर मिलने के लिए बुलाने लगा था। बीती 6 नवंबर को वह कोचिंग गई थी। तब समीर ने फोन किया और कोचिंग के बाद शाम को उसे मिलने के लिए 0° बुलाया। शाम को जब छात्रा कोचिंग से फ्री हुई तो आरोपी समीर उसे अपने साथ एकता चौक से आगे 0° ले गया। कुछ देर बातचीत करने के बाद समीर ने उसे कुछ खाने के लिए कहा। स्नैक्स खिलाने के बहाने समीर उसे विजयनगर में यू टर्न कैफे लेकर पहुंचा और वहां उसने जबरदस्ती छात्रा के साथ रेप किया। आरोपी के खिलाफ रेप एवं पास्को एक्ट का मामला दर्ज। पीड़िता का कहना है कि इसके कुछ समय बाद समीर फिर से भला फुसलाकर उसे यू टर्न कैफे ले गया और दोबारा उसके साथ रेप किया, जिसके बाद छात्रा ने हिम्मत करके समीर के खिलाफ विजयनगर थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा दी। CSP तुषार सिंह ने बताया कि छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ रेप एवं पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यू टर्न कैफे में बलात्कार की दूसरी घटना। बता दें कि विजयनगर के यू टर्न कैफे में 2 माह के भीतर बलात्कार की दूसरी घटना सामने आई है। इसके पहले एक भूमाफिया के बेटे ने भी अपनी नाबालिग दोस्त को इसी कैफे में ले जाकर बलात्कार किया था। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।